फसलों के लिए अमृत बनकर बरसे बादल, ठंड से नहीं मिली लोगों को निजात। भिवाड़ी सहित ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। वहीं सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं, जिससे लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से मौसम ने पलटी खाया है और रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे ठंडक बढ़ गई है और लोग अलाव जलाकर सर्दी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को दिन भर सूरज बादलों की ओट में छिपा रहा और तापमान में गिरावट आने से लोग घरों में बैठकर भी कपकपाते रहे, जबकि शाम को ही तेज़ बारिश से सर्दी और बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि अब बारिश और तेज़ सर्दी सरसों और गेहूं की फसल के लिए लाभदायक साबित हो रही है। नए साल में हो रही बारिश व कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है और उन्हें तेज़ धूप नसीब नहीं हो पा रही है। उधर कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। नेशनल हाईवे 48 पर कड़ाके की ठंड व बारिश के बावजूद बुलंद हौसले के साथ किसान धरने पर बैठे हुए हैं और वह अपनी मांगें नहीं माने जाने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली से जयपुर आने जाने वाले यातायात को कापड़ीवास से भिवाड़ी होकर खैरथल होते हुए कोटपुतली निकाला जा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र परेड की तरह दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और उनकी मांगें नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के दिन प्रतिदिन आंदोलन के बढ़ते को देखते हुए प्रशासन भी चौकस हो गया है और दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे किसी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।